सो हे देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पोकेमॉन ब्लैक टू सीरीज। तो फाइनली लास्ट एपिसोड में हमने स्टॉप कर दिया था टीम प्लाज्मा की इविल प्लान को, जिसके बाद हमें काफी इंटेंस बैटल करनी पड़ी लॉर्ड गेट्सस के साथ, विच वॉज टोटली रियली फन। और उन्हें डिफीट करने के बाद लॉर्ड एन ने हमें सजेस्ट किया पोकेमॉन लीग को चैलेंज करने के लिए। एंड सो आज के इस एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जर्नी को और जाएंगे पोकेमॉन लीग की तरफ। एंड लेट्स जस्ट होप कि वहां जाते जाते हमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट बैटल्स ना करनी पड़े। बट बिफोर मूविंग ऑन, फॉर श्योर लास्ट एपिसोड की इंटेंस बैटल के बाद मेरे पोकेमॉन्स को थोड़ी सी हीलिंग की जरूरत थी, बट फिर घूम फिर कर हमें वापस इसी केव में आना था, सो मैंने पोकेमॉन्स को सिंपली बस यहीं पर हील अप कर दिया है और इसीलिए हम बस यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड फॉर दैट हमें सिंपली इस्तेमाल करना पड़ेगा एक एस्केप रोप का, जो कि हमें लीड करेगा इस केव के फ्रंट में, और फिर वहां से हम कंटिन्यू करेंगे इनसाइड द केव और फाइंड करेंगे विक्ट्री रोड के पाथ को। सो ओनली इफ आई कैन फाइंड द एस्केप रोप, जो कि कहीं यहीं पर होनी चाहिए। मैंने काफी सारी एस्केप रोप्स को ग्रैब तो किया था, बट ओके आई फाउंड इट। लेट्स जस्ट क्विकली यूज इट और चलते हैं इस केव के एंट्रेंस की तरफ। एंड आई गेस जहां से हम इस जायंट चैसम के अंदर एंटर किया था हमने, उसके थोड़े आगे जाकर हम जा पाएंगे विक्ट्री रोड की तरफ। अब वहां पर मुझे एक आइटम दिख रहा है, सो आई एम जस्ट गोना गो एंड ग्रैब दैट एज वेल, बिकॉज मे बी यू नेवर नो वो हमारी क्या मदद करे। सो लेट्स जस्ट मेक आवर वे अप फ्रॉम हियर। और मैंने पोकेमॉन्स को और कुछ ऑसम मूव सिखाने की थोड़ी सी कोशिश की थी, एंड फॉर दैट आई थिंक मुझे लुकारियो के पास कोई अच्छा सा फाइटिंग टाइप मूव चाहिए। सो इफ़ यू नो इफ वी कैन फाइंड एनी ऑफ द अमेजिंग मूव, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अब यहाँ पर हमें आइस बीम मिला है, जो कि हमारी काफ़ी मदद कर सकता है अगेंस्ट द ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स, बिकॉज मैंने शायद हमारे किंग को एक आइस टाइप मूव सिखाया है विच इज़ ब्लिजर्ड, जो कि उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। सो उसकी जगह पर एक आइस बीम काफ़ी सही मूव रहेगा। अब यहाँ से हम गए थे जायंट चैसम की तरफ, सो वी डोंट हैव टू गो इनसाइड देयर, और ये कहीं बाहर जाने का रास्ता है आई गेस, सो हम यहाँ से भी नहीं जाएंगे, बट वी श्योरली कैन गो डाउन। यहाँ पर एक आइटम हो ही जाना चाहिए, येस देयर इज़ अ स्टार पीस जिसे हम सेल कर पाएंगे, बट आई गेस हमें यहीं से कहीं जाना है बिकॉज देयर इज़ लाइक अ पजल ओवर हियर। लेट्स पुश दिस बोल्डर फर्स्ट और उस आइटम को ग्रैब करते हैं एंड फिर कंटिन्यू करेंगे हमारी जर्नी को। सो नाउ वी कैन पुश द बोल्डर, लेट्स ग्रैब दैट आइटम एंड इट इज़ अ मैक्स रिपेल। ठीक है, इट इज़ गुड, इट कैन हेल्प अस। सो लेट्स मेक आर वे अप एंड दिस शुड एक्चुअली लीड अस टू द विक्ट्री रोड। या श्योरली दिस इज, और वहाँ पर एक्चुअली एक रास्ता भी था, सो आई डू वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट एज वेल। लेट्स गो अप अ लिटल बिट, और ये रास्ता भी हमें लीड कर रहा है किसी पीछे की जगह पर। देर इज़ अ आइटम एज वेल ओवर हियर, सो लेट्स क्विकली जस्ट ग्रैब दैट एज वेल। तो इस बोल्डर को पुश करते हैं एंड ग्रैब दिस आइटम, इट इज़ ऑल्सो अगेन अ स्टार पीस, ये हमारी मदद कर सकता है। सो आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस केव, सो लेट्स गो आउट और एक्सप्लोर करते हैं विक्ट्री रोड को। लेट्स होप कि हमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा नेस्टी ट्रेनर से बैटल ना करनी पड़े। देर इज़ अ हाउस ओवर हियर, लेट्स गो इनसाइड एंड यहाँ पर एक लड़की है, रिपेल, हाँ लेट्स जस्ट कीप द रिपेल ऑन। लेट्स टॉक टू हर, योर पोकेमॉन नॉट इन परफेक्ट कंडीशन, कम डोंट बी रिजर्व, टेक अ रेस्ट। ओके, सो यहाँ पर हम हील अप कर सकते थे, तो मेरी पूरी मेहनत वेस्ट हो गई टू हील अप माई ऑल द पोकेमॉन्स, हाँ बट ठीक है इट इज़ गुड। सो आई गेस हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू हैव टू जस्ट गो अप। अब यहाँ पर एक ट्रेनर बैटल हो सकती है और अस आई कैन स्किप इट, बट नो, लुक्स लाइक वी विल हैव टू फाइट दिस डूड ओवर हियर। वेल दैट वॉज ईजी बैटल, इसके पास बस एक थ्रो था, सो आई गेस इस विक्ट्री रोड में हमें ज़्यादातर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स देखने मिलेंगे एंड फॉर दैट आई गेस हमें इस्तेमाल करना चाहिए एस का। वी विल बी एबल टू डिफीट मोस्ट ऑफ द फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स विद एस, और मुझे एस पर भी कुछ पावरफुल फ्लाइंग टाइप मूव्स की ज़रूरत है, सो आई डू नीड टू ट्रेन हिम सम रियली कूल मूव्स। अब यहाँ पर आई गेस वी कैन स्किप हिम, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, आई विल ट्राई बट नो, लुक्स लाइक वी विल हैव टू बैटल दिस डूड। ओके, नो डाउट यहाँ पर एस को फ्रंट में रखना उतना ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं था बिकॉज ही जस्ट गॉट किल्ड, लाइक सीरियसली फर्स्ट या सेकेंड टर्न में उसे सीधा किल कर दिया इसके पोकेमॉन ने। एंड आई हैव नोटिस कि यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं उनके पोकेमॉन्स की लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, लाइक दे आर एट 55 और 50 के बीच में ही है उनके पोकेमॉन्स की लेवल, और मेरे पोकेमॉन्स के लेवल इज़ ऑब्वियसली एट लाइक मोस्टली 50 के आसपास। ओनली किंग इज़ एट लेवल 55, जेड इज़ एट 53 एंड एज भी ऑलमोस्ट 50 पर है, बट बाकियों की काफ़ी ज़्यादा कम है। आई डू नीड टू ट्रेन दैम अ लॉट,
अगर मुझे चैलेंज करना है एलीट फोर और चैंपियन को, सो विक्ट्री रोड इज़ अ गुड प्लेस, सो आई विल ट्राई टू चैलेंज ऑल द ट्रेनर्स ओवर हियर, बट इस एपिसोड में आई विल ट्राई टू जस्ट स्किप मोस्ट ऑफ देम बिकॉज बैटल करना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. ओके, आई स्किप्ड हिम, आई गॉट अ लिटिल बिट पैनिक ओवर देयर, बट ठीक है, हमने उसे स्किप कर दिया है. और एंड यहाँ पर भी मैंने इस लड़की को काफ़ी अच्छी तरह से स्किप कर दिया है. वी कैन एक्चुअली गो दैट वे एज वेल, अगर हम यहाँ से नीचे जाते हैं. एंड यस वी कैन गो दिस वे, लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस अ लिटिल बिट. यहाँ पर मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा है, बट आई गेस हमारे डाउजिंग मशीन में हमें कुछ देखने मिले. लेट मी जस्ट एक्टिवेट दैट. एंड यहाँ पर है कुछ, डेफिनेटली देर इज़ समथिंग ओवर हियर. एंड इट इज़ अ रेयर कैंडी, वेल दैट इज़ गुड, ये हमारी मदद करेगा. एक लेजी ट्रेनर के लिए रेयर कैंडीज काफ़ी हेल्पफुल रहती है फॉर श्योर. सो लेट्स गो डाउन. एंड वो भाई, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गो डाउन और मुझे इससे बैटल करनी पड़ेगी. वेल, इस बैटल के बाद आई डू रियलाइज कि मुझे किसी ना किसी पोकेमॉन पर अर्थक्वेक की ज़रूरत है बिकॉज देर आर सम रियली वियर्ड पोकेमॉन्स ओवर हियर. अब यहाँ पर देर इज़ अ आइटम विच आई कैन ग्रैब, अगर हम जा पाते हैं प्रॉपरली तो. इज दिस ओवर हियर? आई एम नॉट क्वाइट श्योर. ये हमें नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है. आई जस्ट कम बैक लेटर, बट फॉर द टाइम बींग लेट्स मेक अवर वे अप फ्रॉम हियर, विच इज डेफिनेटली गोइंग टू लीड अस टू द विक्ट्री रोड. हम पहुंच चुके हैं विक्ट्री रोड एंड लॉर्ड एंड बस यहाँ पर हमारा इंतजार कर रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट ही इज अप टू. यू केम, द पोकेमॉन लीग इज जस्ट पास विक्ट्री रोड. पोकेमॉन बैटल्स डू नथिंग मोर देन हर्ट पोकेमॉन. दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड इट एंड दैट्स व्हाई आई हेट इट बैटल्स. बट इट्स नॉट दैट सिंपल. या श्योरली इट इज नॉट दैट सिंपल. पोकेमॉन बैटल्स डिसाइड विनर्स एंड लूजर्स, इट्स ट्रू, येट दे डू सो मच मोर. Your Pokemon, you, your opponent, and their Pokemon. Everyone can see what wonderful things the others have to contribute. That's right, accepting different ideas, different beings changes the world, like a chemical reaction. Pokemon battles are like a catalyst, a small component that leads to big changes. My friend Zekrom taught me that, and it's the formula I have derived from traveling the world. I want you to think for yourself about what it means. Yeah, surely I will, a little bit. What's that? Why are you the... You're the Zorak that helped me that time, aren't you? Hey, thanks. Here, take this with you. The new Victory Road has areas that are only accessible with waterfalls. And with that, we got the HM for waterfall. Ab I'm not sure ki hume kisi aur HM ki zarurat thi because humare paas sirf ek hi water type Pokemon hai and I can't teach all of the HMs to him. So, we'll see about that. Yes, if it's your Pokemon and you, you will get past the Pokemon League and recognize your own ideals. That's what I see in the store for you. And with that, Lord N leave कर चुके हैं, so I guess हमें यहाँ से continue करना पड़ेगा हमारी इस journey को. And wow, this place looks cool. ये हमारे badges को check कर रहे हैं and there are like made up badges over here. मतलब badges के ऐसे statues जैसा बना कर रखा है, which looks really cool. One is yellow and it is changing colors actually. और ऊपर वाला जो पूरा blue color का है and नीचे वाला थोड़े red colors को represent कर रहा है, which is looking cool. और दिस इज़ आवर थर्ड बैच, द इंसेक्ट बैच ऑब्वियसली, विच वॉज अ रियली अमेजिंग बैटल एज वेल. देन वी हैव बोल्ड बैच, जो कि मज़ा ही आ गया था उस बैटल में. देन नेक्स्ट इज आई गेस द बैच वेयर वी फॉट, या द क्विक बैच, जहाँ पर हमने बैटल की थी क्ले से. वो बैटल भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था वो पूरा जिम, बट इट वॉज फन एज वेल. देन वी हैव जेट बैच, जिसके लिए हमने डिफीट किया था स्काइला को. इट वॉज सो रीसेंट, लाइक शायद 5 या 6 एपिसोड्स पहले ही हमने डिफीट किया था स्काइला को. इट वॉज ऑल्सो रियली फन. एंड देन वी हैव द बैच फॉर लेजेंड बैच, या इट इज़ द ड्रीडन्स बैच. मतलब स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट बैच यही था आई गेस, यही जिम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था. एंड देन द लास्ट जिम, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा ईजी था. एंड फॉर सम रीज़न इस बैच को वेव बैच कहा जाता है, which I don't really agree. It looks like a teardrop. It's not a wave. But in any case, हमने इन सभी gyms को defeat कर दिया है, which feels really good. और इस जगह की पूरी theme related है black and white और ऐसे ही different colors से, which is giving a really cool vibe. और अब ये gate finally unlock हो रहा है, which has a really really cool animation. And with that, the Victory Road का gate open हो चुका है. भाई आई एम सुपर सुपर रेडी फॉर दिस, सो लेट्स जस्ट क्विकली मेक आर वे इनसाइड. एंड ओके, यहाँ पर एक हिडन आइटम है. आई विल कम बैक लेटर, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स गो इनसाइड, लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस अ लिटिल बिट.
भाई दिस प्लेस इज लुकिंग सो कूल एंड लुक्स लाइक यहाँ पर हम इस ट्रेनर को स्किप नहीं कर सकते हैं। वेल देर इज लाइक अ ब्रिज ओवर हियर जो कि ब्रोकन है बट आई कांट सी एनी वे टू पास इट, सो शायद हमें इस ट्रेनर से बैटल करनी ही पड़ेगी विच इज गोइंग टू टेक अ लिटल बिट ऑफ आर टाइम बट इट इज गोइंग टू बी फन, सो या लेट्स जस्ट चैलेंज दिस डूड ओवर हियर। दैट वॉज अ रियली इजी बैटल, लेट्स मूव पास्ट फ्रॉम हियर एंड वो शायद मेरा रिपेल डीएक्टिवेट हो चुका है। वेल यहाँ पर मुझे देखने मिला एक लेवल 50 गोलर्क विच इज डेफिनेटली रियली गुड। यहाँ पर काफ़ी सही पोकीमॉन्स है बट आई एम नॉट गोइंग टू कैच मैनी ऑफ द पोकीमॉन्स क्योंकि मैं टीम को उतना ज़्यादा मैसअप नहीं करना चाहता, सो लेट मी जस्ट क्विकली ग्रैब अ रिपेल और फिर हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जर्नी को। ओके डेफिनेटली यहाँ के पोकीमॉन्स की लेवल हाई है जिसकी वजह से ही पॉप्ड अप, सो लेट मी जस्ट क्विकली स्विच इन टू किंग और अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जर्नी को। बट बिफोर दैट लेट मी एक्चुअली जस्ट हील अप, मतलब रिवाइव रश बिकॉज रश डाउन हो चुका है, सो लेट मी जस्ट डू दैट और फिर हम कंटिन्यू करेंगे फॉर श्योर। सो विद दैट वी रिवाइव्ड रश एंड नाउ वी आर रेडी टू मूव ऑन, जस्ट लेट मी जस्ट क्लोज इट एंड नाउ वी आर रेडी टू पास। अब यहाँ पर देर इज लाइक अ पजल, सो शायद विल हैव टू फिगर आउट अ वे ओवर हियर। ओके आई नो आई थिंक मुझे पता है, आई थिंक आई शुड पुश इट फ्रॉम हियर और फिर मुझे इसे आगे पुश करना चाहिए विच इज गोइंग टू पुश दिस बोल्डर इन द होल एंड देन विल बी एबल टू प्रोसीड ऑन। अब यहाँ से वी कैन गो पास हियर। ओके आई स्किप्ड हर, हाउ आई क्लियरली स्किप्ड हर बट सम हाउ शी वॉन्ट्स टू बैटल अस। ओके आई माइट बी अ लिटिल बिट अंडर लेवल बट यहाँ के सभी ट्रेनर्स को मैं काफ़ी बुरी तरह से डैमेज कर रहा हूँ बट ये कुछ अजीब से मतलब टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो ही जस्ट बर्नड माई किंग विच इज़ क्वाइट वियर्ड बट ठीक है, लेट मी जस्ट अनबर्न हिम और चलो चलते हैं आगे, लेट्स गो डाउन। यहाँ पर कुछ होना तो चाहिए बिकॉज देयर इज़ अ वे दैट इज़ गोइंग टू लीड अस डाउन, देयर इज़ नथिंग सो लेट्स मेक आर वे अप फ्रॉम हियर एंड बस आई गेस शायद और भी। ओके इतने दूर से इसने मुझे देख लिया, आई डोंट नो हाउ। सो एज आई वॉज सेइंग अब शायद हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा बट द बैटल्स आर गेटिंग रियली टफ ओवर हियर। ट्रेनर्स तो है यहाँ पर एंड दे आर गेटिंग सुपर स्ट्रांग और आई डोंट इवन वॉन्ट टू गो इनसाइड देयर बट सम हाउ हमने एनकाउंटर कर दिया है ऑर्डिनो को। ओके ये फन टिप, अगर ऑर्डिनो से कभी भी पंगा हो जाए डू डिफीट हिम बिकॉज इट्स द बेस्ट वे टू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन लिटिल टाइम। बट भाई इस डॉक्टर से भी हमें बैटल करनी पड़ेगी, वॉट इज गोइंग ऑन। हाँ तो अगर किसी ऑर्डिनो से पंगा हो जाए जस्ट डू डिफीट देम बिकॉज दे गिव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अब चलो चलते हैं इनसाइड, अब मैंने उस डॉक्टर को डिफीट कर दिया है एंड लुक्स लाइक वी विल हैव टू डू अ डबल बैटल ओवर हियर बिकॉज आई डोंट थिंक देर इज अ वे कि हम इसे स्किप कर ही पाएंगे। वी कैन एक्चुअली मेक इट अ सिंगल बैटल, मे बी वी कैन मे बी वी नॉट बट लेट्स जस्ट गो एंड बैटल बोथ ऑफ देम आई गेस। वेल दैट वॉज अ लॉन्ग बैटल, लेट्स जस्ट मूव ऑन और चलते हैं ऊपर। आई थिंक दिस इज अ पजल एंड यहाँ पर कुछ तो होना ही चाहिए, प्लीज जस्ट डोंट टेल मी कि यहाँ पर कोई और ट्रेनर है। यहाँ पर मुझे एक रास्ता दिख रहा है बाहर जाने का, मे बी दिस कैन लीड अस टू द आउटसाइड बट वहाँ जाने के लिए फॉर श्योर हमें बैटल करनी पड़ेगी इस डूड से विच आई रियली डोंट वॉन्ट टू। यस आई स्किप्ड हिम बट ये ओके दिस इज अ ब्रोकन रोड और हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। वेल देयर इज अ वे ओवर देयर बट आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू लीड अस टू द फ्रंट बिकॉज हम वहाँ पर शायद कहीं पीछे से आ सकते हैं, सो दैट वॉज नॉट अ वे फॉर अस। बट यहाँ पर मैंने इस भाई को बहुत गंदी तरह से दो बार स्किप कर दिया है विच इज़ रियली नाइस। अब यहाँ पर एक पजल है सो आई थिंक हमें इसे पुश करना पड़ेगा एंड देन विल हैव टू पुश इट बैक फ्रॉम दैट अदर साइड, मतलब सेकेंड वाले बोल्डर को। सो या दिस इज गोइंग टू लीड अस। ओके देर इज अ केव, आई डोंट नो वेयर दिस इज लीडिंग अस और भाई दिस प्लेस इज डार्क, आई डोंट वॉन्ट टू गो इन देयर। मे बी हम कहीं और जा पाए, वेयर इज दिस गोइंग टू लीड आई जेन्युइनली डोंट नो बट लगता है कि यहाँ पर एक बैटल होगी। वेल दिस वॉज अ स्टूपिड बैटल बिकॉज मैं इसे ईजिली स्किप भी कर सकता था बट सम हाउ आई गॉट इन टू द बैटल और बैटल भी भाई बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। Now let's go out from here and I guess this is going to lead us to the victory road. अब यहाँ पर भी एक भाई है, I don't really want to battle him. Let's go up और ये बहुत ज़्यादा confusing लग रहा है but this is how most of the victory roads are. So let's just go up and most of the time सीधा ऊपर जाते जाते
हम पहुंच सकते हैं विक्ट्री रोड तक, बट लुक्स लाइक वी विल हैव टू बैटल दिस गर्ल। वेल फाइनली अ इजी बैटल, लेट्स मूव ऑन एंड आई थिंक दिस शुड लीड अस फाइनली टू द विक्ट्री रोड, बिकॉज यहाँ पर मुझे कुछ पिलर्स दिख रहे हैं। लेट्स चेक दिस वे। ओके, यहाँ पर बस स्टेयर्स ही है जो कि इसी साइड लीड अप कर रही है, सो आई गेस वी आर इन द राइट स्पॉट, बट लुक्स लाइक हमें आगे जाने के लिए एक बैटल करनी पड़ेगी। वेल नो डाउट यहाँ पर हर तरह की पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड लुक्स लाइक वी विल हैव टू बैटल दिस डूड ओवर हियर एज वेल, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, बिकॉज ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है एंड आई एम नॉट इन द मूड ऑफ फाइटिंग एनी मोर। सो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। नेक्स्ट एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी इस जर्नी को यहाँ से आगे। विल सी कि क्या हम विक्ट्री रोड को कम्प्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं, और क्या हमें एलीट फोर को चैलेंज करने से पहले कुछ और भी करना पड़ेगा। विल जस्ट सी दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड। सो या मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।